हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में मित्रों हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा नौवीं गणित, और इस वीडियो बताना चाहते हैं आपको कक्षा नौवीं के गणित और पाठ का नाम आपके क्या है, बहुपद। और इस वीडियो में आपको बहुपद के बारे में बहुपद के गुणनखंड निकालना बताएंगे। तो हमने इसकी क्वेश्चन ले ली है, आपका आपके प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन है, आपको करना बताएंगे कैसे करते हैं। तो भाई ये पेपर में बहुत आते हैं, ये गुणनखंड निकालने का एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर या 4 नंबर में, पक्का रहता है 3 नंबर में तो आएगा ही। गुणनखंड निकालना पूछा जाता है 3 नंबर में, ठीक है, या 4 नंबर में भी आ जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इससे एक दो प्रश्न आते रहते हैं, बहुत जे प्रश्न मोर्चा, लेकिन आपको जे प्रश्न जरूर बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता तो ये वीडियो जरूर देखना है, अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। अगर आपको पेपर में पास होना है कक्षा नौवीं में, तो आप लोग को एक बात बता दें, आपका अभी से स्कूल हो गया, स्टार्टिंग हो चुकी है, प्रारंभ हो गया, स्कूल लगना चालू हो चुके हैं, तो ठीक है, आपके 3 महीने बाद क्या होंगे, त्रैमासिक पेपर होंगे, आपके स्कूल चालू हो गए सितंबर में लगभग, अभी क्या चल रहा है जुलाई से, या तो देर अभी जून से चला हो, चालू हो गए ना, जून जुलाई अगस्त और सितंबर में आपके 3 महीने बाद पेपर होंगे। क्या होंगे, सितंबर में पेपर होते हैं, देखा आप लोग के जैसे जून से स्कूल लागू चालू हुआ है, जून से 3 महीने बाद त्रैमासिक होते, त्रैमासिक का मतलब 3 मासिक बाद, त्रैमासिक मतलब मासिक का मतलब होता है, तो जैसे देखो त्रैमासिक 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 पेपर त्रैमासिक, मासिक का मतलब पता है आपको क्या कहलाता है, महीना, और त्र का मतलब 3 कहलाता है। 3 महीने बाद क्या होंगे पेपर, त्रैमासिक के कितने बाद, 3 महीना। तो भैया जून के बाद कितना, जुलाई पूछ जाएगा आपका, जुलाई फिर आपका अगस्त, बाद में आपका 3 महीना पूछ गया, इसके बाद सितंबर में आपके पेपर होंगे, फिर आपके अर्धवार्षिक होते हैं, सितंबर से आपके 3 महीने और हो जाएंगे, 3 हो गए, फिर आपके सितंबर आपका रहेगा, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, नवंबर के बाद क्या था, दिसंबर, दिसंबर में आपका क्या होगा, दिसंबर, दिसंबर में आपके क्या होंगे, अर्धवार्षिक पेपर। वार्षिक के होते पूरे, पूरा वार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक तो आप कितने होंगे दिसंबर में, वार्षिक कहलाएंगे, पूरे महीना हो जाएंगे, चल ठीक है, पूरे दिन पूछ जाते हैं। हाँ तो जनवरी फरवरी में आपके, फरवरी मार्च में हो जाते तो फिर आपके पूरे पेपर हो जाता, पूरा वार्षिक, तो जी ऐसा पेपर होता है। तो ना अभी से पढ़ाई स्टार्टिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो कोई पढ़ता भी नहीं तो स्टार्टिंग चालू कर दो पढ़ना, आप 10वीं में पढ़ते हो चाहे 9वीं में पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो आप लोगों के लिए हम आपको इसमें बहुपद हल करना सिखाएंगे, या बहुपद गुणनखंड निकालना बताएंगे, क्या बताना चाह रहे हैं आपको, बहुपद के गुणनखंड इस प्रकार के, और आपको बहुपद दिए हैं, ठीक है, तो इनको भैया भाग विधि से भी अपन लगा सका था, और गुणनखंड विधि मतलब मध्य पद से भी लगा सका था, या तो इनको मध्य पद बोला जाता है, मध्य पद से, ठीक है, मध्य पद से, मध्य पद बीच का पद, बीच का पद पहचानना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब बीच का पद ऐसा, जैसे कोई भी हो, बीच का पद कैसे पहचान, बीच वाला, ठीक है, अक्षर पर और बड़ी घात के बीच क्या कहलाता, मध्य बीच वाला पद, तो ये देखो सबसे बड़ी घात जे है, फिर इससे छोटी जे है, एक घात वाला, फिर आपका 0 घात है, अक्षर पद और प्रथम पद, जिन सबसे बड़ी घात होती है उसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद, जो बड़ी घात है उसको बोलते हैं प्रथम पद, जो छोटी घात है उसको फिर दूसरा पद, तीसरा है उसको बोला जाता है, जो 0 घात है चर को उसको बोला जाता है अचर पद, मतलब इसमें संख्या लिखी है तो दिखा रहे अचर पद कहलाएगा। और आपके देखो जो प्रथम पद और जो अचर पद और बीच का पद को है, इन दोनों का, इनका बीच का पद क्या, 5, ये कहलाएगा मध्य पद, या बोल सकते अपन दूसरा पद, ठीक है, मध्य पद इसको बोला जाता है, बीच वाले को मध्य पद, ठीक है, समझ गए। अगर ये आपको उल्टी सीधी भी लिखी है, अगर ऐसा लिखा है कि ऐसा लिखा है 6x² - 6+5x, तो आपको पता है कि बहुपद का क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर छोटी कर सबसे बड़ी ये होगी, फिर एक घात आएगी, 2 के बाद कितना आता है 1, फिर आएगा आपका -6, आचर पर बन, पहले इसको व्यवस्थित करना सीखते हैं, ठीक है। बहुपद कैसा होता, पहले सबसे बड़ी घात आएगी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे 0 मतलब आचर पद आ जाएगा, ठीक है, ऐसे पहले व्यवस्थित कर ले। अगर आपको कोई प्रश्न आ जाता है कि आपका बहुपद को उल्टा लिखा है,
बंदा व्यवस्थित नहीं है तो पहले उसको व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इसके आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड और मध्य पद से तोड़ गए, ठीक है। मध्य पद विधि से बताएंगे हम आपको क्या, कौन सी मध्य पद विधि से, मध्य पद विधि से मतलब मध्य पद को विभाजित करके मतलब तोड़ के, तोड़ के उसी को बताएंगे हम उसी से, या इसी को बोल जाता है गुणनखंड बोल देते अपन लोग, कहते हैं गुणनखंड विधि से लिख देते, यही कहलाती है मध्य पद से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके गुणनखंड है तो क्या करेंगे, 6x² लिख देंगे माइनस प्लस के 5x है फिर, और माइनस का 6। बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल एक गौर से वीडियो देखना, आप लोग कहीं मत जाना यार, देखो आप लोग वीडियो देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता, हम बिल्कुल आराम आराम समझाने की कोशिश करें बिल्कुल आपका, भैया कौन नहीं जाना आपका, ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पर बफर लिख लिया, आपके बफर लिख लिया, क्या लिखा, सबसे बड़े जो प्रथम पद है जो मध्य पद है जो आपका अक्षर पद है, ठीक है, पहचान लिया आपने यहाँ पर। अब आपको क्या करना, प्रथम पद और अक्षर पद का गुणा करना है, ठीक है, बगल पे लिख लें कितना आएगा, 6 × 6 करेंगे मतलब 6 कितने, 6x² गुणे कितना करेंगे मल्टीप्लाई माइनस का 6, सो करेंगे कितना आ जाएगा 6×6 = 36, और एक्स यहाँ पर जंग का तन दिख रहा है क्योंकि ये चार राशि है, इसमें तो चार राशि है नहीं, गुणा हो जाए संगे नहीं है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा हम इसके ऊपर लिख लें, कितना आ जाएगा 36x² आ जाएगा, गुणा कर भी से हो और माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है इसमें माइनस, इधर प्लस होगा तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस भी आएगा तो इधर भी माइनस आ जाएगा। आपको इससे क्या पता चला कि आपको देखो इस मध्य पद को मतलब आप बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है, बीच वाले पद के देखो मध्य पद हमने लिख लिया आपका मध्य पद, बस लाइन से सुनते जाना इसका कार्यक्रम क्या होता है, इसका क्या करना होता है, जी 5 है, 5 को ऐसे दो पद बनाना, अपना दो टुकड़ा ऐसे निकाल ले जी के गुणा करने से इतने आ जाए, और जोड़ भी और घटा भी से बन जाओ चाहिए, या जोड़ भी से बनो चाहिए घटा भी, तो अपना चाहे माइनस के 36, ठीक है। आप 36 चाहे सोचो, 36 चाहे आप खा 36 चाहे जी वाले 36 गुणा करोगे तो भाई ये इसी के गुणनखंड से बनेगा 36, तो आप इनका गुणनखंड करोगे यानी गुणनखंड से गुणा करेंगे तो 36 से नहीं से निकलेगा, तो पहली बात तो यहीं से निकलेगा तो अपन यहीं से तोड़ भी चालू करते भी, तो जोड़ कितना चाहिए 5 और घटाना भी या 5 आना चाहिए, तो अपन ऐसे तोड़ भी, ठीक है। ऐसा देखो ऐसा तोड़े से दो से तोड़ा, दो से तोड़ भी 18 आ जाए, 2 × 18 = 36, अब इनको योग करो सो कितना, 2 × 18 को योग करो सो तुम कितना 20, अपन ने चाहे 5 और घटा भी 16 नहीं बनने बात, इसको हटाओ। अब और कौन बड़ी संख्या सोते हो, 3 से छोटो, 3 × 1 = 3 और कितना 3 × 6 = 12, 12 और 3 हाँ जोड़ो सो 15 घटाओ सो 9 नहीं बना ना छोड़ो। अब अपना 4 में 4×9 = 36, 4×9 = 36 होगा, तो अब 9 और 4 हाँ जोड़ रहा सो 13 बना, लेकिन घटा रहा सो कितना बना 5, इतने बन भी बात, इन दो गुणनखंड में का रहा हूँ घटा भी से 5 बन रहा, तो अपन इसे देख ले, ठीक है, इनको ले लें इनसे बन जाएगी। अब चिन्ह व्यवस्थित करना, सो अपन व्यवस्थित कर ले, 1 4 ले लो अपन ने, 1 9 इन्हीं से बन जाने, अब ऐसे पे मिलेगा गुणनखंड हो गया। अब 5 देखो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, अब आपको चाहिए प्लस के 5, तो 9 को तो अपन क्या रहने देंगे प्लस, और 4 को क्या कर देंगे माइनस, अब दोनों में क्या लगा दो 4 राशि x लगा दो, क्योंकि x वाले को तोड़ा हमने तो 4 5x का राशि इसको तोड़ेंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा मतलब घटेगा ना, तो जोड़ेगा तो नहीं घटेगा, तो क्या बनेगा प्लस का 5x, और इनका गुणा करोगे तुम तो इनका गुणा करो 4x माइनस के गुणे 9x, तो कितना आ जाएगा 9×36x माइनस के, क्या है कि ये 36 है कि तो गुणनखंड है तो 36 तो बनाएंगे इनसे, अपन को बस जो देखना थे कि जोड़ से 5 बस बन गया, तो अपन देख लिए जोड़ भी घटावे से, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना भैया, यहाँ पर जी आपको जैकते उतार देना 6² प्लस का 5x, और 5x की जगह सॉरी क्या रखना है आपको, इसी के जगह पे क्या बैठा लेना, 5x की जगह क्या बैठाना माइनस का 4x और प्लस का 9x माइनस का 6। अब भी अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपको इसकी क्या करना है,
इसके ऐसे टुकड़ा तोड़ना जिनका गुणा करके से क्या चाहिए कि 36 बन जाए माइनस को जोड़ भी या घटावे से 5 आ जाना चाहिए कितने प्लस के। तो हमने हमें 9 चाहना 5 चाहना थे प्लस के, तो भाई ये प्लस के जब मिलेंगे अपन प्लस की संख्या बड़ी उच्च है, तो हमने 9 प्लस को कर दिया और माइनस के 4 करके 9 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 5 है और गुणा करेंगे से माइनस के 4। ये दो 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 कंडीशन पूरी हो चाहिए आपकी, दो ही शर्तें अगर आपके पूरी हो चुकी तो आप गुणा घंट आपका सही चल रहा है। तो देखो अब आपको यहाँ से क्या करना, थोड़ी सी यार यहाँ पर देखना पड़ता है दूर दृष्टि, मतलब यहाँ से आपको इन चीजों में क्या कॉमन दिख रहा है इसको देखने के लिए इसको 6 के गुणनखंड करेंगे। तो 6 के गुणनखंड करना तो आपको बन जाएगा। तो 6 के कैसे गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे तो 6 है, 2 3 आता है, फिर 2 3 1 आएगा, तो 2 3 1 ऐसा आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही रूप में रख देंगे, 2 3 क्या लिखिए 2 3 और 1 भी लिख सकते हैं अपन। हाँ बिल्कुल क्लियरिटी से बताएंगे आपको समझाने के, एक्स घात 2 थी, हमने यहाँ पे एक्स को कितने बार लिख दिया गुणा में 2 बार, तो ये पूरा पद एक ही लिखा है ठीक है, पूरा गुणा में लिखे। तो यहाँ पर एक्स को लिख सकते 2 × 2 × x प्लस, हम आपको समझा के लाने लिख रहे हैं कि क्या लिखे हैं आपको बताएंगे फिर आपको शॉर्ट में ही बता देंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। 3 × 3 × 1 × x माइनस 2 × 3 और 1, यहाँ पर 1 नहीं लिख पाए तो आगे लिख दो इसके गुणा में, क्योंकि एक तो समय होता है गुणा में, सबके गुणनखंड में एक तो शामिल होता ही है, तो कोई भी गुणनखंड कर लो कोई भी संख्या एक तुम्हें समय मिलेगा कॉमन रहता है एक तो ठीक। अब आपको क्या करना है, आपका पद कितने हैं इसमें पद गिनना, 1 2 3 4 पद गिनेगा, पद पूरा 1 जे है आपका, 1 यहाँ से जहां तक जोड़ कहलाता है वो पद है या घटाना, तो 1 2 3 4 हो गया आपके पास। अब इसको हमें देखना होता है कॉमन, दो दो के जोड़ा बन गया आपके, यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा जी एक पद जी एक पद इनका जोड़ा बन चुका है और इनका इनका आपका जोड़ा बन जाएगा ना। तो ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही करना है अपन, इनको जोड़ा बना लो, हमने इनको जोड़ा बना लो ठीक है। बस आपका क्या करना है कॉमन बस लेव की देरी है। तो देखो इस वाले पद में आपको 2 दिख रहा है, इस वाले में भी 2 दिख रहा है ठीक है, 2 दिख रहा है और इसमें x है तो भैया इसमें भी x है, और क्या इसमें 1 है तो 1 को सब में रहता तो 1 तो लेना हो तो ले लो भैया, 1 जी है 1 को तो क्या दिक्कत है, 1 तो सब में मिलेगा तो 1 इसका भी ले लो। उठा लो क्या क्या मिलता है, 2 मिलता है, 1 मिलता है, x मिलता है, तो सब उठा लिए तो जितने मिलते 2 में लगता है 1 में लगता है x में लगता है। अब बचा क्या क्या, कॉमन ले लिए कोष्टक लगाएंगे, कॉमन लिया तुरंत कोष्टक चालू कर देंगे छोटा, क्योंकि इनको सबसे बाहर निकाल दिया तुरंत गेट लगा देंगे। क्या कहते हैं जैसे कोई को बाहर निकाला, जैसे कोई जबरदस्ती आपके अंदर घुसा हो तो गेट खोले और तुरंत मतलब उसको निकाला और बाहर निकाल लिया, तो ऐसे उसको बाहर निकाल दिया, इनको बाहर निकाल दिया अपन ने, तो इनको बंद कर दिए मतलब गेट बंद कर लो अपना ठीक है। यहाँ पर एक्स था, 2 नहीं होते यार, 1 आते 2 1 एक्स इतने आते हैं। अब बचे क्या था आपका, 3 बचा था जो छूटा था उसको लिख दे, 3 और 1 एक्स छूटा था वो माइनस के आपके इसमें क्या छूटा था 2 से 2 लिख देंगे ठीक है, इतना लिख दिया जी, यहाँ पर गुणा लगा सब ठीक है। तो यहाँ पर क्या था आपका, क्या मिल रहा कॉमन इसमें, 3 बस मिल रहा, 3 दिख रहा और 1, तो इनको दोनों को ले लेंगे हम कॉमन, तो प्लस का ले लेंगे 3 और 1 और बचेगा आपका 3x माइनस का 2 बचेगा ठीक है। तब दिख रहा आपको 2 बचा और 3 बचा और x भी बचा। अब आपको क्या करना, अब आपको दिख रहा है कि जे भी 2 इनका क्या कर ले एक बार गुणा कर ले, तो 2 1 2 और 2x आ जाएगा, तो इतना लिख देंगे ठीक है, 3x माइनस के 2 प्लस के, 3 1 3 और 3x माइनस के 2 इतना हो जाएगा ठीक है, 3 बनेंगे दिखना रहा हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर गुणा, अब इसमें कॉमन फिर मिल रहा है पूरा पद से, इसको फिर ले लेंगे दोबारा 3x माइनस के 2 और आपने जी कॉमन लिया तो इस पर क्या करेंगे कोष्टक चालू कर देंगे, हमने बताया था जिसको बाहर निकालो कोष्टक चालू करो, तो बचा आपका 2x है, जे बाहर निकाल लेंगे बचे जे 2x प्लस के 3 बचे, तो जे आपके यहाँ पर गुणा है, तो जे आपके यहाँ पर गुणा के रूप में लिख दिया जी कहलाएंगे गुणा। अब आप इसको गुणन गुणा करोगे तो जहीं का तंजी बन जाएगा, तो जांच भी हो जाएगी आपकी ठीक है। और आपको एक भी चीज़ बता दें, अगर आपको इतना बड़ा यहाँ तो करोगे नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो बहुत
गलत भी कर सकते हो। आप लोग क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ पर हम आपको बता दें, एक लाइन डायरेक्ट हटा के हमने आपको समझा भी खिला दिया, तपड़ा कर दिया है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप देखोगे इन दोनों में भाग का जा रहा है, दो का तो इसमें जा रहा, दो का इसमें जा रहा, तीन का इसमें जा रहा, लेकिन इसमें जा रहा, तो बस आप क्या करोगे, दो दो का दोनों भाग जा रहा, तो दो बार निकालोगे, दो इसमें एक्स, इसमें भी एक्स, दो एक्स सीधे बाहर निकालोगे, दो एक्स और द्वितीय छह सौ, यहाँ पर तीन एक्स बचेगा, एक एक्स तो बाहर निकल आया, एक एक्स बचा, इसमें दो का भाग लगाएंगे, दो दो ने चार तो दो तो गया, दो दो ने चार दो बार गया, तो यहाँ लिख देंगे एक्स, तो एक्स बार है यहाँ ही बहुत ऊपर है, एक्स से कम एक्स तो यहाँ पर एक तो है ये, और हम दिख रहे ही भाई प्लस का नौ। अब यहाँ पर दोनों में भाग का जा रहा, तुम देखो यहाँ पर दोनों में तीन का भाग जाए तो बारह तीन निकालेंगे, तीन त्रिका नौ एक्स बचेगा, तीन त्रिका नौ तीन एक पा तीन रहेगा, तो एक्स रहेगा और तीन दोनों छः सात, डायरेक्ट आपका जी पता जाएगा। फिर आपका कहीं पर जी वाला यहाँ पर आया, देखो इसको भी अपन डायरेक्ट हटा सकते हैं, फिर आपका डायरेक्ट जी पता चले, जी दो स्टेप हट जाते हैं डायरेक्ट, फिर आपको जी स्टेप आ जाता है, इसके बाद आपको तुरंत जी लगा देना होता है, आपको इसका स्टेप तो जी आ गया, इसके बाद तुरंत जी लगा दो, आपको गुणन खंड हो जाएंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, हमने आपको बता दिए कॉमन लेने का तरीका, ठीक है। और आपको जी करना, तो जी आप लोग करके देखो यार, बनेगा आपसे, क्यों नहीं बनेगा, बस आपको देखना क्या है कि जोड़ भी से आपके बीच को मध्य पर सात बन जाना चाहिए, और गुणा कर भी से इनको करो तीन गुना छह सौ, गुणा कर भी से छह सौ करना चाहिए प्लस के, करो जल्दी और बताओ कैसा वीडियो लगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।